तो क्या हालचाल है दोस्तों। तो गैस आज के वाले वीडियो में बात करने वाले श्यू मैक्स के साथ। तो गैस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि श्यू मैक्स कौन है। तो गैस मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये गेमिंग यूट्यूबर है और वो अपने यूट्यूब चैनल पर माइनक्राफ्ट को लेकर वीडियो डालते हैं। लेकिन अभी आपको डाउट होगा कि ये कौन है, इनका कॉन्टेंट कौन सा है, कैसे वीडियो बनाते हैं। आप सभी को ऐसे डाउट हो गए तो मैं आपको इनका एक छोटी सा क्लिप दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। हेलो विशेष, हाँ मेरी बात सुन, इधर देख, पासा थोड़ा खाना है क्या? भूख लगी यार बहुत। मैं तेरे को देता हूँ एक किलो। हेलो सेंटा, तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा, मॉन्स्टर या फिर मैं? मॉन्स्टर जीतेगा। अबे साले की कोशिश। अबे रुक ना, डायलॉग तो बोल रहे साले। नो 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 नो। उनके छोटे से इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि श्यू मैक्स कौन है। तो गाइस बिना कुछ देरी के आज का वीडियो चालू करते हैं जिसका टाइटल है श्यू मैक्स की कहानी उन्हीं के जुबानी। क्या हालचाल है श्यू मैक्स? मस्त हूँ भाई, तुम बता। कुछ नहीं, कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर पहली बार आके? आपको बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कि मैं आपको पूरे वीडियो में श्यू मैक्स ही बोलूं कि आपका कुछ ऐसा नाम है? मेरे माइनक्राफ्ट कैरेक्टर में देखा है आपका नाम जॉय है, तो आपको मैं क्या फुकर जॉय बोल के फुकर या जय? एक्चुअली मेरा रियल नाम जय है लेकिन आप श्यू मैक्स बोल सकते हैं। जय इसी नाम का जय बोल देगा। तो श्यू मैक्स ज्यादा लंबा होता है, जय ही बराबर आपका नाम। काफी सारे बंदे मेरे को जय ही बोलते हैं। एज कितनी होगी अभी? जिस हिसाब से आपकी आवाज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है आप 20 के अंदर ही हो गए। एक्चुअली मैं 17 ईयर का हूँ। ठीक है जो है, हम हमारे मेन काम की ओर पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर का। ये भाई पूछो भाई। मैं आपको कुछ ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा जिससे आपकी ऑडियंस और मेरे ऑडियंस के भी हेल्प मिल जाएगी यूट्यूब पर आने के बाद क्या करना पड़ता है। चलेगा पूछो। मैं आपको पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा कि आप यूट्यूब पर किस वजह से, या सब यूट्यूब पर आ रहे थे क्या इस वजह से, या ऐसे ही मन को लगा यूट्यूब पर आते देखते क्या होता? एक्चुअली मुझे कैसे पता है, जो मैं पहले पबजी खेलता था तो मेरे को सब पहले से गेम खेलने का आदत था। जो कहते हैं बचपन में, मैं बचपन में अंकल के फोन लेके गेम खेल रहा हूँ। मैंने देखा कि काफी सारे बंदे लोग गेमिंग करते हैं, तो सोचा मैं ही गेमिंग क्यों ना स्टार्ट करूं। अब वो देखा मैंने किसी को गेम खेलते हुए देखा तो हमको भी ऐसी जलना थी अंदर से, हम क्यों नहीं कर लेते ऐसा। एक्चुअली पता है सभी यूट्यूबर ऐसे बने, सभी यूट्यूबर को देखते फिर उससे इंस्पायर होकर अपना कंटेंट निकालते। अपने यूट्यूब चैनल पर किस गेम को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और किस गेम को आपका ऑडियंस सबसे ज्यादा पसंद करती है? एक्चुअली मेरा फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट है और मैं माइनक्राफ्ट की शुरुआत, लेकिन मैं और भी गेम ट्राई करता हूँ लेकिन उससे व्यूज नहीं आते। लेकिन आपके ऑडियंस में मैंने देखी आपके ऑडियंस को सबसे ज्यादा माइनक्राफ्ट की इंटरेस्ट है, इसे क्यों भी चैलेंजिंग वीडियो या कुछ फाइंड बटन ऐसे आपको वीडियो पसंद आपके ऑडियंस को? मैंने देखा आपका चैनल ऑब्जर्व करके। एक्चुअली मेरा ऑडियंस को ऐसा चैलेंजिंग मैप या फिर कोई एडवेंचर मैप होगा ना तो वो देखना पसंद है। कि फिर पहला क्वेश्चन यहाँ ही खत्म करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि मैंने आपके यूट्यूब पर के सारी वीडियो देखी। अरे शुक्रिया भाई। और उसमें कि मैंने ये देखा कि आपकी एक वीडियो है वो वायरल भी हो गई है। कौन सी वाली भाई? वो टेक्नो गेमर की 20 मिलियन तो थी ना, वो आपकी वायरल हो चुकी है। पता है जब मैंने टेक्नो गेमर की वीडियो अपलोड की थी ना, पहले 2-3 दिन एकदम जीरो थी और पता नहीं अचानक उस पर क्या हो गया, ऑडियंस का प्यार मिला। अगला सवाल मेरा इसी के रिलेटेड है कि अपनी जो यूट्यूब की वीडियो होती है वो वायरल करने के लिए कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है, वो ऐसे वायरल हो जाती है? जैसे कहते हैं कि यूट्यूब पर आने के लिए कुछ लग भी लगता है वीडियो वायरल करने के लिए। वायरल करने की कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं अपने सारे वीडियो वायरल कर देता। तो प्यूडीफाई टी सीरीज से आगे हो जाता ऐसी ट्रिक होती तो कुछ बराबर है। बस अपना कंटेंट ऐसा बनाओ कि अपनी जो ऑडियंस रहेगी उसको पसंद आना चाहिए। लेकिन कंटेंट बनाए कैसे, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा हमारे ऑडियंस को है पसंद आ रहा है इसका, ऐसी वीडियो हमारे ऑडियंस को चाहिए? तुम लोग रिसर्च कर सकते हो, मतलब अपने ऑडियंस को पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे हो या डिस्कॉर्ड पे हो। आपका स्टार्टिंग का फेज चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, फिर के बड़े बड़े यूट्यूबर है वो क्या कर रहे हैं और उनके ऑडियंस उनसे क्या डिमांड कर रही है, इसके ऊपर आपका आइडिया मिल जाएगा। न्यू यूट्यूबर अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ, आप ही मुझे सजेशन दो क्या करना चाहिए। कौन सा गेम प्ले रिकॉर्ड करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है? वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो डालता हूँ, लेकिन माइनक्राफ्ट में स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो मुझे ऐसा एडवेंचर या फिर चैलेंजेस वाले मैप खेलना अच्छा लगता है और मेरे ऑडियंस को भी वही पसंद है। मुझे कुछ ऐसा पैटर्न समझने से उसमें करना क्या पड़ता है, कैसे खेलना पड़ता है, मेरे कुछ ऐसा पल्ले ही नहीं पड़ता बोले तो। एक्चुअली माइनक्राफ्ट ना एक ओपन वर्ल्ड गेम है, अपन कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते। अगर आपको घर बनाना पसंद है तो आप घर बना सकते हो, बेसिकली मस्ट स्टोरी टेलिंग गेम है, आप भी खेलना अगर आपको टाइम मिले तो। लेकिन आप ही सिखाना मुझे गेम माइनक्राफ्ट कैसे खेलना पड़ता है वगैरह। अरे हाँ भाई साथ में खेलेंगे। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाए तो मैं और श्यू मैक्स जी एक न्यू गेम प्ले वीडियो डालेंगे इस चैनल। अरे हाँ भाई जल्दी से लाइक करो,
मस्त गेम खेल। मेरी भी वीडियो पर लाइक मत करो, आप उनका भी यूट्यूब चैनल जाके चेक करो, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाँ मतलब तुम मेरे वीडियो को लाइक करने को बोलो और मैं आपके वीडियो को लाइक करने को बोलूंगा। तराजू होता है ना, तराजू जैसे मेंटर होना चाहिए ना। मैं ये आप मुझे बोल के अच्छा नहीं लगेगा ना, ऑडियंस बोलेगी कैसा घमंडी लड़का बोलते हैं आगे। सही बात है, सही बात है। ठीक है, अगला सवाल पूछते हैं और उसके बाद हम एक गेम खेलेंगे। रेडी हो ना? हाँ भाई फुल रेडी हो। चलो फिर निकालो पिकैक्स, निकालो एक्स। हाँ भाई मैं स्वॉर्ड लेके आता हूँ। एवेंजर असेंबल। फिर हमारा लास्ट सवाल पूछते हैं, सही आंसर देना जिससे कि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, कैसे एडिट करते हो। आप माइनक्राफ्ट वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हो, उसको एडिट करने के लिए आप क्या क्या मशक्कत करते हो, मतलब क्या क्या मेहनत करते हो? अपने सारे माइनक्राफ्ट वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ। मोबाइल से? लिटरली मुझे लगा आप पीसी वगैरह इससे रिकॉर्ड करते हो, आपके वीडियो देखे ये भी नहीं लगता आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हो। मेरे पास पीसी नहीं है। पीसी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग देखे मैंने जो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उनके इधर से कुछ तो ऐसा एरो वगैरह होता है वो दिखता है। एक्चुअली मैं अपने सारे वीडियो में एक ऐसा मोड लगाता हूँ जिससे अपने सारे बटन जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, जावा एडिशन वाला फीलिंग आता है जो पीसी पे होता है। सच में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हो? मोबाइल से खेलते हो माइनक्राफ्ट? मोबाइल से माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ और मोबाइल से उसको एडिट करता हूँ। नहीं नहीं, क्रिएटर है उनको लगता है कि हम पीसी लैपटॉप उनसे माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं, उनसे रिकॉर्ड करते हैं, उनसे यूट्यूब पर हम डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप श्यू मैक्स से सीख सकते हो कि हम बिना लैपटॉप बिना कंप्यूटर से हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अरे भाई शुक्रिया भाई। पर ये बोलने के लिए मुझे श्यू मैक्स ने कुछ पैसे वगैरह तो नहीं दिए। लेकिन फोन में फोन पे कर देना भाई, में पैसे भूल मत जाए भाई, 50 रुपए पेटीएम करता हूँ। और एक्टिंग के मत काट लेना भाई, वैसे भी 50 रुपए देने वाला हूँ और 50 रुपए और एडी के खाते तो आपको खुशी होता। वही तो। लेकिन हम सवाल से भटक रहे हैं, आज हमारे सवाल पर आ जाओ, बताओ हमारा ऑडियंस का आप एडिट कैसे करते हो? मैं अपने सारे वीडियो की एडिटिंग जो होते हैं अपने मोबाइल से करता हूँ। मोबाइल में कैसा पता है, एक प्रॉब्लम है जिसमें स्क्रीन बहुत छोटी आती है और कभी कभी जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है जिससे मैं एडिट करता हूँ, मैं टाइम मास्टर से एडिट करता हूँ। मैं आज के लिए क्वेश्चन यहाँ ही खत्म कर देता हूँ, उसके बाद हम गेम खेलते हैं। फिर रेडियो भाई, लेकिन कौन सा गेम? हे गेम एक रैपिड फायर गेम है, बहुत सारे लोगों को पता है एक रैपिड फायर गेम कैसा है, उस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको और आपको न जीते तो वो इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है भाई। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा? जो भी है गेम हारेगा वो 10,000 रुपीज पे करेगा। सच में 10,000 रुपीज पे करेगा जो भी है गेम हारेगा। सही में? सही में। फोन पे कर देना, मैं आपको नंबर दूंगा, फोन पे कर देना। तुम मेरा नंबर ले लो, हाथ में तुम ही वाले हो। लेकिन यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा भी यूट्यूब चैनल का मॉनिटाइज हुआ, मैं जिनको पे कर सकूँ पैसे। भाई सेम भाई, यूट्यूब पैसे नहीं था भाई। अब हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते है। तो फिर आप पहले सवाल की ओर बढ़ते, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? फेवरेट यूट्यूबर हाथवेश। आप यूट्यूब पर किस यूट्यूबर से मोटिवेट होकर यूट्यूब पर आए हो? मजाक मत करो भाई, जल्दी बता, जल्दी बता, रैपिड फायर गेम है। वैसे तो क्रिकेट इंसान, क्रिकेट इंसान। ओके, तो आपका सेकंड सवाल है, आपको कौन सा यूट्यूबर पसंद नहीं और कौन से यूट्यूबर आपको एटीट्यूड दिखता है? पसंद तो भाई मेरे सब है, और एटीट्यूड की बात करें तो भाई कॉन्ट्रोवर्सी करोगे यार तू तो। अरे कर लेते, थोड़ी व्यूज तो आते हैं। भाई मैं इधर तो नहीं बोल सकता, मैं तुमको ऑफ कैमरा बता दूंगा। ठीक है, हमें कंट्रोवर्सी वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करनी है, कोई यूट्यूबर को हमको हेट करने की भी मकसद नहीं है इसके वजह से ना। वैसे तो मैं ज्यादा किसी को हेट नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं तो। लेकिन अब अगले सवाल की ओर बढ़ते, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, या फ्यूचर में आप यूट्यूब पर ही रहना चाहते हो, यूट्यूब के अलावा और कुछ करना चाहते हो? हाँ एक्चुअली मेरा फ्यूचर प्लान आई थिंक यूट्यूब है, मैं पूरा कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के ऊपर डिपेंड कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से यूट्यूब अर्निंग दे रहा है तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन करेंगे, मेरा तो मन है। मतलब ऑडियंस को प्यार मिला तो कर भी सकते हैं फ्यूचर में कंटिन्यू यूट्यूब? नहीं नहीं, कंटिन्यू तो करने जा रहे हैं लेकिन फुल टाइम नहीं करने वाले। अब कॉलेज टाइम में हो गए ना, 17-18 की एज बोली तो आपकी? हाँ भाई मैं 12th क्लास में। फिर कॉलेज में ऐसा अट्रैक्शन कोई कुछ मिला है क्या? नहीं भाई अभी तक नहीं।
झूठ मत बोलो, बता सच्ची सच्ची। अरे सही में भाई कोई नहीं। ठीक है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको परसों तक चैनल कैसा लगता है, आपके वीडियो देखते परसों तक कैसा लगता है आपको? मस्त लगता है भाई, स्पेशली मुझे आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, कंसिस्टेंट होगा फ्यूचर में। थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए, लेकिन सच में ऐसे दिल से आवाज आ रही है ना? हाँ भाई दिल से आवाज आ रही है, एकदम फेफड़े से आ रहे। लेकिन अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूट्यूब पर जो शॉर्ट फिल्म नाम का न्यू एक फीचर आया यूट्यूब पर, उसको देख कर आपको कैसा लगता है? हाँ भाई अच्छा लगता है, मतलब उसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा नहीं करेंगे फ्यूचर में शॉर्ट चैनल, अगर ऑडियंस का सपोर्ट रहा। अरे ऑडियंस का सपोर्ट रहेगा, लेकिन जल्दी करना। हाँ भाई आपसे टिप्स लूंगा। तो भाई अभी तक मेरे साथ बात करके आपको कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा वो आपने सही बोला, नहीं तो पैसे काट लेता मैं आपके। तो फिर गाइस आज का पॉडकास्ट यहाँ ही एंड करते हैं। आप सभी को फ्यू मैक्स के साथ बात करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आज फ्यू मैक्स जी आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके? बहुत अच्छा लगा। और गाइस आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और जाते जाते एक काम जरूर करना, आप फ्यू मैक्स का यूट्यूब चैनल जाके चेक कर सकते हो। अरे भाई शुक्रिया भाई, गाइस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि पॉडकास्ट कैसा है। तो चलो फिर मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो भाई शिव मैक्स ने भी बोल दिया वीडियो को लाइक करो, अब तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना का। तो भी गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।